उस समय की ऐसी स्थिति थी, कई किलोमीटर हम पैदल चल के गए, बहुत भीड़ जंगल था। और वहाँ पर हमने सारी आँखों देखा तो वहाँ पर आरा मशीन लगी हुई थी, ट्रैक्टर लगा, वो इंजन से वहीं पेड़ काटे जाते थे। वो सारी घटना हुई। उस समय तत्कालीन सरकार को उस समय हमने सूचना दी, उसमें पेड़ की कटाई रेंजर, फॉरेस्टर और कई अधिकारियों के खिलाफ उसमें कार्रवाई हुई। इसके बाद 2006-7 की बात है, इसी रूद गिरावड़ा के पार्ट जो खोड़ कहलाता है, जो मालिर जट के साथ तरुण भारत संघ एक संस्था है, पर्यावरण के लिए, जल के लिए काम करती है। उसने लगभग 50 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया, लगभग 30 से अधिक मकान बना लिए। मैंने तत्कालीन कलेक्टर राजीव ठाकुर को इसकी शिकायत की और उनके खिलाफ 91 कार्रवाई करके नायब तहसीलदार तिजार किशोर शर्मा थे शायद उस समय, उन्होंने उनको सजा दी, 14 जुर्माना जो भी रेवेन्यू का होता है वो किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दखल के बाद जिला प्रशासन ने उसको कंस्ट्रक्शन को पूरे को हटाया, जिसमें 20 से अधिक कमरे थे, 50 बीघा में वो बाउंड्री थी। जब 2008 में मैं किशनगढ़ से एमएलए बना तो ये इंटीरियर क्षेत्र था, प्रशासन के लोग जा नहीं पाते थे। मैं भी जब सरपुर गया था तो बिरसिंहपुर से सरपुर तक कई बार गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ा था। तो उसकी कनेक्टिविटी करने के लिए जो मोटू का चौक से सीधा मुबारकपुर सड़क जाती है, 7 मीटर चौड़ी मैंने बनाई। इधर से राव का चौकी वाली जो बम्बोरा से जाती है, उसको एमएफडी फंड होता है, माइन से जो टैक्स के रूप में आता है, उसमें उसको बनवाया। और जितनी भी वहाँ सड़कें थी जो टूटी हुई थी, जर्जर थी, कभी संपत राम जी के टाइम में बनी हुई थी, उन सब का वापस कराया। चूँकि ये क्षेत्र राव का चौकी में आता है, तो राव का चौकी से लालपुरी होकर के ओदा का बांध कहलाता है, जिसको खानपुर का, उधर से उस सड़क की कनेक्टिविटी को मैंने बनवाया। सेंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आधी 1 किलोमीटर पर सिंचाई विभाग के किसी ठेकेदार ने स्टे ले रखा है और वो मेरा कार्यकाल ख़त्म होने के बाद आज तक वो स्टे वो नहीं बना। और राव का चौकी काफ़ी दूर पड़ती है। हमारे इसमें ये कहना है कि ये सघन भीड़ था जो तो पटी गया। समय समय पर प्रभावशाली लोगों ने इस पर अतिक्रमण किया, सतत अतिक्रमण हुआ है। कांग्रेस का राज जब 18 में आया तो बड़े विशाल स्तर पर इस पर अतिक्रमण हुआ है। आपने भी देखा लगभग 300 बीघा जमीन में अतिक्रमण है। और प्रशासन के बगैर मिले जुले नहीं होती। गोकशी की घटना है, इसमें वहाँ के स्थानीय गो तस्कर शामिल है लगातार। और इसमें जो कई बार सामाजिक रूप से पंचायतें भी कराई, चुनाव से पहले अगस्त के महीने भी एक पंचायत हुई। पंचायत में सभी जाति बिरादरी धर्म के लोग थे, तय किया कि भाई गोकशी यहाँ नहीं होने देंगे। और उस समय वही एक दुकानदार है बुजुर्ग, 62 साल का है, आशू, उसको कहा कि भाई इधर से कोई गोकशी कोई गाड़ी वाड़ी जाती है गाय की, या सूचना हो तो आप हमको बताएंगे। उसने जब जैसे सूचना दी तो जो गो तस्कर थे उन्होंने उसका और एक उसका बेटा है जिसका हाथ कटा हुआ है उसका अपहरण कर लिया। उन लोगों ने मुझे भी सूचना दी कि ये घटना हो गई। मैंने खुद एसपी से बात की और स्वयं 20-30 लोगों को ले जा करके मैंने एफआईआर दर्ज अपहरण का केस में, लेकिन तत्कालीन एसएचओ ने एसपी के बार बार हमारे मिलने के बावजूद भी धारा जो अपहरण की होती है 365 हटा करके सामान्य, उसमें बाकायदा गो तस्करों के 10, 12, 15 लोगों के नाम भी हैं, 520 नंबर एफआईआर है। उस संबंध में कई बार हमने एसपी को अवगत करा कि भाई इसकी जांच दोबारा करें, लेकिन उसकी जांच नहीं बदली और उसको रफा दफा करने का कारण रहा कि वहाँ अमित चौधरी एक सब इंस्पेक्टर था जो पिछले 3.5 साल रहा, उसके कार्यकाल में ये सारा खेल ज़्यादा हुआ है लगभग, और पिछले 2 साल में तो ज़्यादा हुआ है। हमने कई बार प्रशासनिक रूप से पुलिस अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन कांग्रेस राज में जानते हो जनप्रतिनिधि कितना पावरफुल था, वो तो डिप्टी सीएम के रूप में काम करता था, कोई किसकी कितनी भी शिकायत करते हैं, लेकिन अगर मान लो जनप्रतिनिधि नहीं चाहता तो उसका कुछ नहीं होता, और उसी का परिणाम है कि ये इतनी बड़ी घटना हुई। कांग्रेस से जुड़े हुए इकबाल पुत्र झूरू जो कांग्रेस का पदाधिकारी है, उसके यहाँ पर अमित चौधरी जो सब इंस्पेक्टर था उसका डेली आना जाना रहता था, उसकी 20-20 नंबर स्कॉर्पियो है, उसका वो खुले रूप से सबसे पूछ सकते हो आप, मेवात किसी से वो उसमें उसका उपयोग भी करता था। एक कांस्टेबल है, एक ड्राइवर है पुलिस का, जाति से मेव है उसका नाम है, ये एक फोकस बना हुआ था। और अमित चौधरी को विधायक साहब का इतना बड़ा संरक्षण था कि खूब शिकायत सब लोगों को करने के बाद भी कभी उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आखिर चुनाव के दौरान चूँकि वो हमसे इसी बात से नाराज़ थे कि उनको एक बार वो बीजेपी राज में वहाँ लग गए थे और अपनी मातित के साथ फ़ोन पर ये कह रहे थे कि आप मेरे कमरे में आ जाइए, मैं आपको 3-4 सुंदर बच्चे पैदा कर दूंगा, और आपकी मीडिया ने उसको दिखाया था। तो तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब कटारिया से मैंने शिकायत करके उसकी जांच के लिए उसको वहाँ से हटवाया, और 2-3 बार तफसीस बदलने के बाद उसमें कि उसने अपना वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कराई, इस आधार पर उसको अधीर जांच मान के उसको ड्रॉप कर दिया। अब 3 साल जब ये यहाँ रहे, अब भी इसकी तरह की उसके खिलाफ शिकायत की गई, और महिला पुलिस कांस्टेबल ने उसकी शिकायत की, उन्होंने भिवाड़ी एसपी को लिखित में भी दिया, लेकिन उस महिला कांस्टेबल का ही ट्रांसफ़र हुआ, अमित चौधरी का नहीं हुआ। तो मेरा तो ये कहना है कि जो कांग्रेस के नेता आदरणीय दीपचंद खैरिया जी, वहाँ एक उस्मान खां जो जिला पार्षद है, इनका ऐसे गो तस्करों को और अवैध खनन वालों को पूरा संरक्षण प्राप्त रहा, और इसी कारण से ये कारोबार बढ़ा। बीजेपी का राज आया है, इसमें सख्ती होगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बेसिक बात यह है कि मैं स्वयं भी आईजी साहब से मिला, मेरा आग्रह था कि साहब चूँकि ये 4 हिस्से, एक पार्ट तो 8 किलोमीटर पहाड़ है जो हरियाणा बॉर्डर पे है, आधा पार्ट राजस्थान में, आधा हरियाणा में, तो ये वन विभाग के अंडर में आता है ये पहाड़, तो वन विभाग में इसे जैसे आर्मी की स्ट्रॉन्ग बैरिकेटिंग होती है, वो तार फेंसिंग होती है, उसी तरह की तार फेंसिंग हो इसमें। और ये पुलिस चौकी जैसे राव का चौकी से अगर पुलिस आएगा, कोई पुलिस का कर्मचारी मान लो उसको इनोसेंट है, वो पकड़ना भी चाहता है, तो तब तक वो हरियाणा में क्रॉस कर जाता है। तो राव का चौकी की जो पुलिस है, या तो यही या कोई दूसरी, ये अपना ईदगाह है जहाँ से 2 किलोमीटर ये सारा जंगल भेड़ शुरू हो जाता है, और इसको कवर करना चाहिए। ऐसे ही तिजारा में जेरोली चौकी है या चेक पोस्ट है जो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, और ऐसे रामगढ़ का पार्ट है। तो तीनों तरफ से जब पुलिसिंग होगी तभी रुक सकता है, एक तरफ से संभावना कम रहती है, क्योंकि वहाँ कई बार ऐसा भी आता है, विवाद हो जाता है, तो कई घटना ऐसी भी है जो एक घटना तो ऐसी है जो पुलिस ने कहा साहब इसका जिस जब लट्ठी मारी जब एक पैर इसका तिजारा में था, इसलिए तिजारा का केस बनता है। ये तो चुनाव से जस्ट पहले की बात है। तो इस तरह की बातें हैं। अब इसमें गोकशी के साथ साथ वहाँ उस क्षेत्र में अवैध खनन बहुत होता है, माचा है, चामरोदा है। इवन आप वहाँ पता करेंगे तो चुनाव से ठीक 6 महीने पहले देवता में भी दीपचंद खैरिया के पोते ने रोजाना 50-50, 30-30, 40-40 ट्रक निकलवाए थे। उसकी शिकायत हुई, बाकायदा गाँव वालों ने विवाद हुआ, वहाँ झगड़ा हो गया, तो तब जाके उसको रोका गया। इसलिए गोकशी और अवैध खनन ये दो बहुत बड़े इशू है। इस पर हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर सारी जो हमारे सामने जानकारी आई है उसको शेयर करेंगे और आगे से ये दोनों, चाहे अवैध खनन हो चाहे गोकशी हो, ये घटनाएं रुकें। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि हरियाणा का वो करें। हमारा राज्य था तो हमने पहले इसको गैस, विधानसभा में मैंने गो सेंचुरी बनाने की बात कही। ओटाराम जी देवासी मंत्री थे, सिद्धांत वो सहमत थे, लेकिन टेक्निकल रूप से किसी ने, फिर हमने इसको औद्योगिक क्षेत्र में, इसको बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, चूँकि 4000 के आसपास 3800-4000 बीघा ज़मीन है, तो एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करना चाहिए। और उसकी बात की तो उसमें बहुत सारी वन विभाग की, जो क्योंकि ये सेमी फॉरेस्ट कहलाता है, गिदरूद गिदावड़ा है, ये सेमी फॉरेस्ट के किस्म में आता है, तो इसमें फॉरेस्ट की उस समय NOC भी दिला दी थी, लेकिन वो चुनाव नज़दीक आ गए। दुर्भाग्य से ये चूँकि पर्यावरण मंत्रालय को जाकर के इसका निस्तारण होता था, और सरकार बदलने के बाद, अब मेरे चुनाव में पराजय होने के बाद, वो आज भी उसी तरह से कांग्रेस ने बोर्ड जरूर लगाया है, प्रपोज इंडस्ट्री एरिया रूद गिदावड़ा। अपन मोटो का चौक पर जाते हैं तो आप बोर्ड देखना, उस पर लिखा हुआ है बाकायदा, लेकिन वहाँ उद्योग के नाम से कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ पर कुछ 100-125 बीघा शिवाय चक भी है, सरकारी ज़मीन है, उसमें से कुछ लोगों को अलॉट हो गई थी 2006 में, और 2009-10 में और बाद में भी कई प्रशासनिक उपखंड अधिकारियों ने न्यायालय में वाद दायर करा करके कुछ फैसले किए हैं। मैंने सरकार से आग्रह भी किया है कि भाई जिसने भी ये जो न्यायालय के माध्यम से अपने पक्ष में फैसला करा कर जिसने भी इस ज़मीन पर कब्जा किया है, ऐसे सारे न्यायालय के फैसले की समीक्षा कराई जाए। और जिन अधिकारियों ने गैरकानूनी फैसले देकर लोगों को कब्जा कराया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा हमने कहा है। आपको सारा पता है, 300 बीघा इस समय बता रहे हैं कब्जा हो गया ज़मीन। हाँ, आपके ध्यान में कब तक कितना कब्जा था? जैसे कि पहले नहीं था, पिछला था, पहले नहीं, सवाल नहीं। छोटा मोटा जैसे जिसी का खेत हो उसने बीघा 2 बीघा कर रखा, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से लार्ज स्केल पर कोई ऐसा कुछ नहीं था कि JCB लगा के नड़े थे। ये सब लोग बड़े बड़े 50-50, 100-100 फीट गहरे, तो उनको इकसार किया गया है। मेव समाज के लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई हमने आपको भी 2 बार शिकायत दी थी इस गौकशी को रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, मैंने ध्यान दिया ना। जो 520 नंबर FIR मेरे ने नहीं कराई है, उसमें मैं SP से मिला हूँ। जो जिनका गौकश तस्करों ने अपहरण किया था उसकी मैंने मदद की है, खास मोहब्बत की। और उसके बाद भी कैंप में जब कोई बात आई थी तो उसको कहा था अधिकारी को ऐसे। तो सर, ये आपको पहले से ही मालूम था कि इस तरह का मामला वहाँ चल रहा है, गो तस्करी का? नहीं, गो तस्करी का तो आगे पीछे से होता रहता है, लेकिन गो कसीर इतना कम था, ऐसा नहीं। मंडी चल रही, इसकी जानकारी, मंडी की जानकारी कब मिली सर? जानकारी तो अभी तो मैंने तो अभी मिली, ये मंडी वाली बात तो मेरे को जानकारी। हाँ, लेकिन ये है कि समय समय पर आती थी, भाई गो निकासी होती है, गो कसी हो सकती है, होती रहती है, तो उसकी वो FIR हमने कराई ना। सर, आपका इलाका था, मंत्री जी पहुँच गए, आप नहीं पहुँच पाए, बहुत लेट गए, कई दिनों बाद पहुँचे, तो क्या था? नहीं, मैं पहले तो बाहर गया हुआ था, आते ही मेरे बुखार था, मंत्री जी का फ़ोन आया था, यहाँ तिजारा के आसपास थे तब, तो मेरे को फ़ोन किया था, मगर मेरे बुखार है, और बुखार अगर आप मुझे और पहले सूचना होती तो दवाई ववाई लेके मैं कोशिश करता जाने की, जब वो बिल्कुल नज़दीक आ गया तो फिर मेरे डॉक्टर के जाना है, चेक कराना है, फिर बाद में कल बल में जाऊँगा। विधायक जी का आरोप था कि आप हर गाड़ी से 50,000 रुपये लेते हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। किसका? कि साहब गौ तस्करी वाली गाड़ी आप पास कराते हो, 50,000 रुपये हर गाड़ी से। सरकार किसकी थी? अमित चौधरी कौन है? और इसकी भी जांच करा लो, जिस चाहे जिस एजेंसी से उसके लोग इन्वॉल्व हैं और खुले में हैं। हमने आरोप लगाया है, अभी इकबाल नाम का व्यक्ति है जो उसका कांग्रेस का पदाधिकारी, उसका उसकी डिटेल और अमित चौधरी की डिटेल और पुलिस वाले को कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। दूध का दूध पानी का हो जाएगा, कौन कौन क्या करता है। ये इसी की गाड़ी थी इकबाल की जो बता रहा हूँ। हाँ, 20-20 नंबर इसी की है, तो पूछ लो ना आप इलाके सबसे। तो अब भी ये कहा जा रहा है वहाँ जो पुलिस के कांस्टेबल तो उन्होंने बताया कि जो अधिकारी हैं मेन सरगनाओं को बचा रहे हैं और जो प्यादे हैं सिर्फ उन्हीं पे काम किया जा रहा है। जो मेन सरगना जिन्होंने 300 बीघा जमीन पे कब्जा किया, उनके प्यादों को पुलिस पकड़ रही है, वो भी खुद आके सरेंडर कर रहे हैं, पुलिस पकड़ नहीं रही उनको। नहीं, हमको ये लगेगा जो सरगना हमको लगेगा कि इसमें कुछ हमारे पास ये जानकारी आएगी कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, तो हम फिर सरकार से कहेंगे कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। अभी तो प्राथमिक जाँच में उन्होंने अभी अखबार में आपने पढ़ा 6-7 लोगों को ही पकड़ा है, 20-30-40 लोगों को बैठाया है और उसमें से जो भी निर्दोष होंगे उनको छोड़ेंगे, जो अपराधी है उनको पकड़ेंगे। सरकार की कार्रवाई खाली अब जैसे आज एपीओ कर दिया पटवारी गढ़दावर, कल एपीओ कर, ये सस्पेंड करने लायक एपीओ करके खाली एक औपचारिकता सी की जा रही है। और पटवारी और गिरदावरी क्यों? ये तो एसडीएम और डीएसपी और उनके लेवल का मामला है। हम तो खाली पटवारी गिरदावर करके आप खत्म कर रहे हैं मामले को। देखो तो बड़ा मामला है और जांच होके डीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, ऐसे लेवल के अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए इतने बड़े मामले में। 3.5 साल बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 5 साल में गो तस्करी का मामला बढ़ा है, आपको पता है, तो वो बच के। हम तो सरकार को कहेंगे कि उसके टर्मिनेशन की कार्रवाई हो, मुकदमा नहीं, हम तो टर्मिनेशन कहते हैं। हमने तो खुद आरोप लगाया है, मैं खुद आईजी साहब से परसों मिला था, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद भी दवाई ववाई लेके मैं आईजी साहब से, क्योंकि परसों आईजी साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा आज मैं मौके पे स्वयं जाऊंगा। और फिर परसों मैंने स्वयं सुबह उनसे बात की, उन्होंने कहा, वो तो पहले दिन ही उन्होंने बता दिया था कि मैं अलवर रहूँगा, तो मैंने बात की तो उन्होंने मुझे 11, 11:30 पहले 10 बजे का कहा। फिर मैंने कहा साहब दवाई वाई लूँगा, बुखार सा चल रहा है मेरे, एक बार मैं चेकअप करा कर फिर आता हूँ। तो फिर 11:30। अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य आरोपी है, सूचना थी, उसके बावजूद भी आपने कहीं आवाज़ नहीं उठाई। ये आप गलत कह रहे हो। आप हमारे एक ज्ञापन में देख लीजिए, गो तस्करी, अपराध, अवैध खनन जगह को लेकर आपने नहीं, यहाँ ऐसा चल रहा है, किसका उसमें शामिल है ना सब चीज़ें। अब मान लो अवैध खनन का मामला है तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट थोड़ी हो, तो सब जगह का बताना पड़ता है। बड़ी मंडी तो वहाँ लग रही है। ऐसे ही गो निकासी का जो विषय है, ये खैरतल थाने में भी कई बार शिकायतें हुई है और भी हुई है, हमारे लोगों को मार पीट हुई है, उनमें भी हम जाके कह के आए हैं, सब लोग ऐसा नहीं है। जैसा भी आपने बताया कि अपहरण का मामला था, आपने उसकी मदद किसकी? हाँ, मदद की ना, उस टाइम सारी चीजें आपके सामने आ चुकी थी। हाँ, तो उसको बड़े लेवल पे क्यों नहीं उठाया आपने उस मुद्दे को, जो आज इतना बड़े लेवल पे पहुंचा? नहीं, मेरे को जो भाई मेरे एसपी को कह दिया, संबंधित कलेक्टर को कह दिया, ज्ञापन दे दिया, खैरतल में धरने दिया। आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, खैरतल में जो मुख्यमंत्री आए थे उससे पहले जो धरना था उसमें सारे विषय रखे थे हमने। अब आपकी सरकार है, हमारा भी है कि जो मुख्य आरोपी है वो अभी अरेस्ट नहीं हुए, ना बहुत ज्यादा अरेस्ट करने की कोशिश है। एक पूरा ग्रुप लग रहा है कि मुख्य आरोपियों को बचा लिया जाए और जो लोगों में पहले से गौ कसी के या गौ तस्करी मुकदमे दर्ज है उन लोगों को पेश करके पुलिस को दिया जा रहा है, वो मुख्य आरोप बताया जा रहा है। मैंने स्वयं ने भी, हमारे सब लोगों ने कल एसपी को भी कहा है, परसों में आईजी से व्यक्तिगत रूप से मिला था और हमारे वन मंत्री जी स्वयं भी मौके पर जाके उन्होंने भी सरकार लेवल पर। हम फिर एक बार सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सारे विषय बताने वाले हैं। मैंने उनसे समय मांगा है कि भाई इस विषय में हमको डिटेल बात करनी है, ये सारा तथ्य आपको बताने हैं। हम सब लोग, हमारे पार्टी के सब लोग वहाँ जाएंगे। वरिष्ठ लोग और ये सारे विषय परमानेंट इसका इलाज हो, इसके हमारे सुझाव देंगे, जो प्रशासनिक सुझाव आएंगे। इसमें चाहे इंडस्ट्री एरिया बनाएं, चाहे पैरामिलिट्री रखें, चाहे गो सेंचुरी रखें, वो सरकार अपने स्तर पर। जहाँ तक पिछले 6-7-8 महीने की बात है, इसमें स्वयं एसवी का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। जो उस समय सुरेंद्र सिंह जी थे, अमित चौधरी को, बाकी ऐसे जो अपराधी इन पर अंकुश लगाने की जिसने भी कोशिश की, उनको वहाँ से हटाया गया। हम बार बार उनसे भी मिले, लेकिन कागज कहाँ जाते थे पता नहीं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी, आप सोचोगे एक कोई घटना हो गई, उसकी आप एसपी को शिकायत करोगे तो उसका ऐसा था कि नीचे थाने में या संबंधित जांच अधिकारी पर आना चाहिए, उन सब कागजों को पता नहीं कहाँ रखते थे। तो उनका तो अवैध खनन में, इन अपराधियों को संरक्षण करने में एसपी का भी कम रोल नहीं था। आपका कहना है कि एसपी की जांच होनी चाहिए? हाँ, एसपी की जांच होनी चाहिए पुराने। सरकार आपकी किससे कराएंगे? जो भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी सरकार समझती है, न्यायिक जाँच समझती है, या सक्षम अधिकारी जिसको भी समझती है, उसकी जाँच करा ले। विधायक जी, होनी चाहिए या जांच होगी? क्योंकि आप सरकार हैं। होगी, निश्चित रूप से होगी। आप मुख्यमंत्री से कौन-कौन से अधिकारियों के साथ जांच की बात करें? मुख्यमंत्री से किन-किन अधिकारियों की जांच की बात करें? उपखंड का स्तर पर जो भी अधिकारी है, सबकी जांच की बात पहले करेंगे। और इसमें जो संबंधित, जो जैसे अमित चौधरी है, इसको तो टर्मिनेशन की बात करने वाले हैं। उसकी अभी कोई और सस्पेंशन होंगे? नहीं, तो जो जैसे जांच विभाग वाइज जैसे जांच हो रही है, जैसे मान लो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी की जिम्मेदारी, वो सूचना दे। पटवारी की जिम्मेदारी थी, सूचना दे। आपके ये इसका वहाँ के लाइनमैन और जीएन की वो सब तो सस्पेंड कुछ हुए हैं, कुछ हो जाएंगे उसमें। अब तक तो होना ही चाहिए। और एमएलए की जिम्मेदारी को हम तो कह रहे हैं, एमएलए की भी जांच होनी चाहिए। नहीं, उसको भी शामिल करोगे क्या इनमें, अपराधियों आरोपियों में? तो हम, मैं तो खुद ही आरोप लगा रहा हूँ, वो और उस्मान खां का जो भी सहयोग करें, चाहे नेता उसका सहयोग करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ खुल के कि उन्होंने अमित चौधरी को लगाया, उसको संरक्षण दिया, अवैध खनन और गोकशी में सहयोग किया, और उसी से सारे, आप खुद ही देख ले, मीडिया के लोग सारे जो अपराधी हैं वो दीपचंद खैरिया और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। ये तो कैसे बताया जा सके कितनी लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी को बार बार प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये प्रजम्पशन माना जाता है कि कोई आर्थिक लाभ लेने के लिए कर रहा है। कोई पुख्ता जानकारी नहीं रहती राजनीतिक लोगों के पास। नहीं, जो जांच अगर आती है तो हम उसको कहते भी हैं। आप बता रहे थे वो झोपड़ी में कौन रहता है, वो पैसे लेता था, वो कौन था? वो तो वहाँ महिलाओं ने बताया था, जब हम गए तब वो कोई कह रहे थे कि भाई जो आपने सुना है वही मैंने सुना है। हमने शिकायत की है ना, उससे बात की। भाई